Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स. हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुके. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. तो आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं. दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय आज हम शुरुआत कर रहे हैं. तो आज हम फिफ्थ चैप्टर श्लोक क्रमांक एक और दूसरा एक और दो, ये दो श्लोक को देखेंगे. और इस अध्याय का जो शीर्षक है समस्त कारणों के कारण. तो फर्स्ट वी विल रीड दिस श्लोक का और हम लोग उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. सो श्लोक इस प्रकार है. दूसरे स्कंद का पांचवा चैप्टर और श्लोक क्रमांक एक. नारदुवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद् विज्ञानी यज्ञानम् आत्मतत्व निदर्शनम्. ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ. कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताइए जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा का सत्य तक ले जाने वाला है. दूसरा श्लोक है. यद रूपम यदिष्टानाम यथा सृष्टम इदम प्रभो यत् संस्था यत् परम यच्छ तत्त्वम् वद तत्त्वतः. ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें. इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ है, यह किस तरह संस्थित है और यह सबके लिए नियंत्रण में किया जा रहा है और यह सब किसी के लिए नियंत्रण में किया जा रहा है. श्रील प्रभुपाद की जय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी भक्तों से प्रार्थना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ आज कहूँ वो एज इट इज, जो कुछ मैंने सुना है भक्तों के मुखारविंद से वही मैं आज बोलने का यहाँ पे प्रयास करूँ. तो जैसे हम देखते हैं कि हमने दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय हमने कल ही हमने इसको समाप्त किया और आखिर में जो श्लोक आया था जहाँ पे हमने नारद मुनि और ब्रह्मा जी का जो संवाद है उसको हमने कल देखा. जैसे इस ग्रेस सनातन निताय प्रभु जी ने उसको कल लिया था उस श्लोक को. तो पहले तो हम इस श्लोक को लिंक करेंगे कि हम तो अब तक देख रहे थे कि चौथा अध्याय में जिसमें महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न किए, फिर उसके 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 बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने अलग अलग
अलग अलग प्रकार से भगवान का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। फिर अचानक में आखिर का जो श्लोक है जहाँ पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद आया, तो पहले क्लियर करें कि अचानक में कैसा आया, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि जब हम इस अध्याय के और आगे बढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगी कि क्या हो रहा है बोल के यहाँ पे। तो अगर हम चौथे अध्याय को देखते हैं तो चौथे अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 से 10 श्लोक जो है, जहाँ पे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को कुछ प्रश्न किए थे कि इस जो जगत है ये किस तरह से इसकी सृष्टि हुई, इसका इसका जो पालन पोषण है कौन कर रहा है, और ये जो इसका जो संहार है इस जगत का ये किस तरह से होता है, वो प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा था पिछले चैप्टर में 6 से 10वें श्लोक के बीच में। और जब 11वां श्लोक आया वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी ने डायरेक्ट उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान का, भगवान के रूप का, भगवान का गुण जो है, भगवान की लीलाओं का उन्होंने वर्णन वहां पे प्रारंभ कर दिया 11वें श्लोक से, और वो चला श्लोक क्रमांक 23 तक। उन्होंने उस श्लोक को भगवान के बारे में उन्होंने बोलने स्टार्ट किए, भगवान का वर्णन स्टार्ट किया, और उन्होंने उस प्रश्न का आंसर उत्तर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ भगवान का गुणगान करने शुरुआत किए सुखदेव गोस्वामी जी ने 11वें श्लोक से 23वें श्लोक तक। फिर 24वें श्लोक में हमने ये देखा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, अपने जो गुरु और अपने जो पिता है श्रील व्यासदेव जी, उनको उन्होंने वो प्रणाम करते हैं वहां पे, वो उनका वो आदर सत्कार करते हैं, उनको वो प्रणाम करते हैं। फिर 25वें श्लोक जो कल हमने देखा था, जहाँ पे नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद आया, तो इसको अगर हम लिंक करते हैं तो जो सवाल जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को जो सवाल पूछा था कि ये जो सृष्टि की लीलाओं के बारे में, ये सृष्टि किस तरह से हुआ है और इसका इसको कौन संभाल रहा है, इसका संवार क्या है, तो उसी जो सवाल है उसका जो आंसर, उसका जो उत्तर जो है वो उसका जो वो जो सवाल है उस वो सवाल को नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से भी सेम एज इट इज सवाल पूछा था, तो उसका उत्तर, ये दोनों का जो संवाद है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद है उसको इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी कनेक्ट करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो वही सवाल नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी क्या आंसर देते हैं वो जो संवाद है वो कल के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो आज का जो अध्याय जो शुरुआत होता है वो कहाँ से शुरुआत होते है, जो सवाल परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा था वही सवाल अभी नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे। तो सुखदेव गोस्वामी जी डायरेक्ट अपना आंसर नहीं देते, सुखदेव गोस्वामी जी जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा है उसका जो उत्तर है वो ये जो संवाद है नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद है उसके उसका जो संवाद को वो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तो हम इस अध्याय में देखेंगे कि क्या नारद मुनि का जो सवाल क्या है और ब्रह्मा जी उसका आंसर किस तरह से देते हैं वो परीक्षित महाराज को बता रहे, उनके क्वेश्चन को, उनके जो क्वेश्चन था उसका आंसर को ये जो संवाद से वो कनेक्ट कर रहे सुखदेव गोस्वामी जी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी ये जो पहला जो श्लोक है या कल के जो श्लोक में प्रभुपाद जी यही मेंशन करते कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो किस तरह से गुरु परंपरा द्वारा ही आना चाहिए, तब जाके हम उसको समझ पाएंगे। तो ये जो संवाद इसके वजह से ये बीच में आ गया, अभी नारद मुनि और ब्रह्मा जी का जो संवाद है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, जो परीक्षित महाराज ने जो क्वेश्चन पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से वही संवाद को सुखदेव गोस्वामी जी अभी बता रहे। तो अगर हम देखते हैं आज का जो पहला श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को बताते कि बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं नारद मुनि कि आप सभी देवताओं में सबसे उच्च, मतलब आप सबसे प्रथम हो। अगर आप देखते हैं इस सृष्टि में सबसे पहली उत्पत्ति आपका ही हुआ है, वैसा नारद मुनि ब्रह्मा जी को मतलब तारीफ कर रहे हैं और उनका मतलब उनको उनके उनको प्रार्थना कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि ब्रह्मा नारद मुनि उनको बोलते हैं ब्रह्मा जी को
पहले श्लोक में कि आप मुझे ज्ञान प्रदान करिए। कौन सा ज्ञान बोल रहे हैं? जो ज्ञान जिसमें मैं कौन हूँ, परम सत्य क्या है और मेरे और परम सत्य के बीच में क्या मतलब अंतर है, क्या रिलेशनशिप है, वो नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते हैं। वो ज्ञान मुझे उन्हें प्रदान करने के लिए बोलते हैं नारद मुनि को। और जब दूसरा श्लोक आता है, आज का जो दूसरा श्लोक है, उसमें नारद मुनि 6 सवाल ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो वो 6 सवाल क्या क्या है वो हम दूसरे श्लोक में देखेंगे। जैसे कि पहला जो है यद रूपम मतलब नारद मुनि ब्रह्मा जी को बोलते कि ये जो सृष्टि है उसको मैं कैसे पहचानूं, कैसे मैं इस सृष्टि को पहचान सकता हूँ, यद रूपम। फिर क्या बोलते हैं, ये पहला सवाल है। फिर दूसरा है यद अधिष्ठानम, मतलब ये जो सृष्टि है ये किसके ऊपर आधारित है, वो दूसरा सवाल है उनका नारद मुनि का कि यद अधिष्ठानम, ये जो सृष्टि है वो किसके ऊपर आधारित है। फिर तीसरा सवाल है यथा सृष्टम मतलब इस ये जो सृष्टि है उसकी रचना किसने किया हुआ है। फिर क्या है ये चौथा है यथा सृष्टम यथा संस्थानम, मतलब ये जो सृष्टि है ये इसका पालन कौन कर रहा है, ये सृष्टि का पालन कौन कर रहा है, ये उनका चौथा क्वेश्चन था। फिर पांचवा यत परम, ये जो पूरा जो सृष्टि है ये किसके ऊपर निर्भर है। फिर छठवा सवाल है यत चा, मतलब ये सृष्टि जो बनी हुए ये किस किस मतलब क्या क्या वस्तु से, क्या 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 तत्व से ये जो सृष्टि बनाया हुआ है। तो ये जो 6 सवाल है, यद रूपम क्या पूछ रहे, यद रूपम यदिष्ठानम यथा सृष्टम यथा संस्थानम यथा परम और यच्छा, मतलब ये जो 6 सवाल नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे, जो सवाल परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा था वही सवाल अभी नारद मुनि ब्रह्मा जी को कर रहे। तो हम कल से हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी इसका आंसर किस तरह से नारद मुनि को देते हैं वो हम कल के श्लोक से देखेंगे। तो ये जो आज के जो 2 श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें बताते हैं, जैसे कि मैंने हिज होलनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज इस तात्पर्य को बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सदाचार हम देख सकते हैं नारद मुनि के भाव से, नारद मुनि जो सदाचार यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं महाराज जी की किस तरह से जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने की विधि क्या है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, या हम अपने जो गुरु है आध्यात्मिक गुरु उनसे किस तरह से हमें आदान प्रदान करना चाहिए, वो उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अगर हम पहले श्लोक में देखते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवद गीता का 4वें अध्याय का 34 जो श्लोक नंबर है उसको कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। और ये बहुत फेमस श्लोक है, हम सबको पता है इस श्लोक के बारे में कि क्या विधि है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का, विधि क्या है वो इस श्लोक में बताते हैं। क्या श्लोक क्या है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी च तत्वदर्शिनम। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह है कि तुम गुरु के पास जहाँ पे भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वहां पे कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। तो दिस इज अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का या आध्यात्मिक गुरु से डील करने का, आदान प्रदान करने का जो प्रोसेस है वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। तो वही जो नारद मुनि अपने जो गुरु ब्रह्मा जी से अभी वो कर रहे हैं। तो क्या है द फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तद विधि प्रणिपाते ना, मतलब जब हम गुरु के पास जाते हैं तब पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हम गुरु के सामने दंडवत करना चाहिए, प्रणिपाते ना, मतलब हमें स्ट्रेट अवे गुरु के पास जाकर हमें मतलब गुरु से किस तरह से हमको डील करना है वो प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे सिखाते हैं।
कि हमें क्या करना है, गुरु के सामने जाके उनके सामने हमें दंडवत करना है, प्रणिपात है ना, वही नारद मुनि अभी ब्रह्मा जी के सामने कर रहे हैं कि उनको वो दंडवत कर रहे हैं। अगर हम श्लोक देखते हैं, श्लोक में क्या लिखते हैं, नमस्ते तु देव देव नमस्ते तु, मतलब नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा जी को नमस्ते करते हैं या उनको दंडवत कर रहे हैं, तो ये क्या प्रणिपात है ना। पहला प्रोसेस क्या है, प्रणिपात होना। फिर उसका बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, हम जब गुरु महाराज के सामने जाते तो दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, परिप्रश्न ना, हमें हमें गुरु महाराज से, आध्यात्मिक गुरु से क्या प्रश्न करना चाहिए। तो दैट इज सेकेंड क्वालिटी, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का जो सेकेंड प्रोसेस क्या है, हम गुरु के पास जाकर हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो पहला प्रोसेस है उनको उनके सामने जाके दंडवत करना, प्रणिपात है ना, और दूसरा प्रोसेस है कि परिप्रश्न है ना, हमें प्रश्न करना चाहिए। तो महाराज बताते हैं भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज बताते कि प्रश्न क्या होना चाहिए। तो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक आध्यात्मिक का जो आध्यात्मिक नॉलेज के बारे में, आध्यात्मिक का हमें गुरु से प्रश्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं और अपने जो भौतिक जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं। कोई बोलता है कि मेरे घर पे मतलब लक्ष्मी जी की बहुत कमियां है, मेरी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए ताकि मैं अच्छे से भौतिक इसमें प्रगति कर दूं। तो ऐसे बहुत लोग अपने गुरु के पास जाकर ऐसे सब प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में यही मेंशन करते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो क्या प्रश्न होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए कि मैं किस तरह से आध्यात्मिक में प्रगति कर सकूं, मेरा जप सही नहीं हो रहा है, या मैं किस तरह से आपकी सेवा कर सकूं, उसके बारे में हमें जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो वो प्रश्न हमें करना चाहिए। फिर जो थर्ड स्टेप है, जो तीसरा जो स्टेप है, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तीसरा विधि क्या है, परिप्रश्न ना सेवाया। जब हम प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो तीन स्टेप है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते, प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, और सेवाया। जब हम ये जो तीन विधि है उसको हम फॉलो करते हैं तब जाके वो जो जो एक्चुअल ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और एक चीज अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब हम ऐसे जो आध्यात्मिक जो प्रश्न होता है, हमें किसी से मतलब बहुत सारे लोग हैं, हम किसी से भी जाके नहीं पूछ सकते आध्यात्मिक प्रश्न को। आध्यात्मिक प्रश्न को किससे जाके पूछना है वो भी इसी श्लोक में आता है, ये जो भगवद गीता के तत्व दर्शिना, मतलब जो व्यक्ति जिन्होंने ये जो परम सत्य है उसको पहचाना है, उनको अनुभव किया है, उससे जाके हम ये जो आध्यात्मिक सवाल को हम पूछ सकते हैं, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और महाराज जी भी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सब समान है, मतलब हम किसी से भी जाकर ये प्रश्न कर सकते हैं, बिकॉज सबको ये प्रश्न के बारे में ये प्रश्न का उत्तर उनको पता है, ऐसा हम समझते हैं। बट महाराज बोलते हैं कि सभी इक्वल लेवल में नहीं है। अगर हम महाराज जी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि अगर इवन डिवोटीज के अंदर भी डिवोटीज के अंदर भी अलग अलग लेवल है, जो जैसे कि हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसका कवर किया था इस टॉपिक को, कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवोटीज, एक उत्तम अधिकारी है, एक मध्यम अधिकारी है और एक कनिष्ठ अधिकारी है। तो महाराज इसके ऊपर बताते हैं कि जब हमें सब एक लेवल में नहीं है, हालांकि सभी जो है जो कृष्णा कॉन्शियस में जितने भी भक्त जुड़े हुए वो सब शुद्ध भक्त है, बट शुद्ध भक्त में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद जी आप जब तक है, मतलब आपके बाद ऐसे कोई इस धरातल पर ऐसे कोई शुद्ध भक्त हमें मिल पाएगा क्या, ऐसा उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को क्वेश्चन किया। तो प्रभुपाद जी ने उसका आंसर ये दिया कि प्रभुपाद जी उनको फिर से क्वेश्चन करते कि आप ये बताइए कि इस धरातल पर आज के समय में कितने व्यक्ति इस्कॉन में जुड़े हुए। तो वो व्यक्ति उनको प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि करीबन 3000
डिवोटीज इस समय में इस्कॉन में जुड़े हुए करके वो आंसर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो 3000 व्यक्ति है ये सब शुद्ध भक्त है, जो भी इस्कॉन में जुड़े हुए वो सब शुद्ध भक्त है। तो महाराज जी ये बोलते हैं कि हालांकि सभी जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं जिन्होंने 4 नियम का पालन कर रहे हैं और 16 माला का जप कर रहे हैं वो सब शुद्ध भक्त है, बट शुद्ध भक्त में भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई उत्तम अधिकारी में है, कोई मध्यम अधिकारी में, कोई कनिष्ठ अधिकारी में। तो महाराज जी ये बता रहे कि जो आध्यात्मिक जो सवाल है, आध्यात्मिक जो प्रश्न है, उसको हमें मतलब उसको हमें सही जो तत्व दर्शिना है उससे जाके हमें पूछना चाहिए। तो ये महाराज जी बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक और टॉपिक निकाल रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि आज के समय में ये जो ज्ञान है ये बहुत नॉर्मल हो गया, मतलब ये जो ज्ञान हम जो प्राप्त कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो ज्ञान को पैसे से, मतलब लक्ष्मी से खरीदना चाहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग फीस भरते हैं, फीस भर के हम वहाँ, जब हम लोग फीस भरते हैं और हम उसके द्वारा हम वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बहुत लोग इसका भी आर्ग्यू करते हैं, जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं और टीचर लोग सही सही नहीं पढ़ाते तो उनके पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं कि हमने फीस आपको पूरा दिया हुआ है पर आप पढ़ा रहे सही नहीं हो। तो ऐसे वो मतलब लक्ष्मी जी से, मतलब पैसे से उसका मोल करते हैं कि हमने जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने जो पैसे उससे हमने ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पर ये जो विधि है वो सही नहीं है, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। सही विधि क्या है कि हमें पहले वही जो श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि प्रणिपात होना है, गुरु के प्रति हमें नतमस्तक होना है, हमें उनका उनका सम्मान करना है, फिर उसके बाद उनसे परिप्रश्न कर सकते हैं, उसके बाद उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके वो जो ज्ञान है हमको प्राप्त होता है। या नहीं तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि नॉलेज रिसीव्ड बाय सबमिसिव इंक्वायरी एंड सर्विस इज मोर इफेक्टिव देन नॉलेज रिसीव्ड एक्सचेंज फॉर द मनी। कि जब हम ये जो पैसे के द्वारा जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव जब हम गुरु को सेवा करते हैं या गुरु के प्रति गुरु के प्रति हमारा जो रेस्पेक्ट है वो रहता है, तब वो जो नॉलेज एक्चुअल में हमें प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि हाउ, मतलब किस तरह से आज के समय में जो नॉलेज है, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी जो तुलना हम ये पैसे से हम करते हैं, बट ये सही विधि नहीं है, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते है। तो प्रभुपाद जी यही हमें बता रहे हैं कि हमारा क्या विधि होना चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान का विधि क्या होना चाहिए वो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय करके, ये जो व्यक्ति थे वो हमने ये स्टोरी पहले भी सुना है कि किस तरह से जब वो ये जो मदन मोहन मालवीय जो व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के सामने आते और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को बोलते हैं कि मेरा कुछ सवाल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी क्या बोलते हैं कि आप किचन में जाइए जहाँ पे मेरे भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, तब आपको आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो मदन मोहन मालवीय एकदम आश्चर्य हो जाते कि गुरु क्या बोल रहे कि आप अपने ये जो शिष्य से इसका आंसर लीजिए बोल के एकदम वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और जब ये जो मदन मोहन मालवीय जब वो शिष्य के पास जाता है तो शिष्य क्या करता रहता है, वो एक मतलब भगवान का जो पैराफेरनेलिया बर्तन वगैरह वो साफ करता रहता है। और वो मदन मोहन मालवीय उस शिष्य से पूछता है कि मुझे मेरा कुछ सवाल है, वो आपके गुरु ने आपके पास आकर आंसर मांगा हुआ है। तो वो शिष्य भी बोलते हैं कि आप थोड़ा टाइम रुकिए, मैं मेरी जो सेवा है उसको मैं फिनिश करके मैं आता हूँ, फिर आपका जो सवाल है उसका मैं उत्तर देता हूँ, ऐसा वो शिष्य बोलता है। तो फिर मदन मोहन मालवीय को भी वो शिष्य बोलते हैं कि आप अगर चाहो तो आप भी ये सेवा करिए, ताकि आप जब सेवा करेंगे उसके बाद जल्दी जल्दी में
ये सेवा जल्दी से फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे जल्दी से मैं दे दूंगा। तो ये जो मदन मोहन मालवी इतने बड़े व्यक्ति थे, वो भी एक समय सोच लेता है कि चलो ठीक है सेवा कर लेता हूँ, ताकि मैं भी अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेके मैं फिर यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो जो मदन मोहन मालवी भी वहां पे बैठकर वो सेवा करता है, और जैसे ही वो सेवा करता है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन उठा हुआ था उसका ऑटोमेटिकली उसको आंसर मिल जाता है। तो ये जो विधि है कि प्रणिपात होना, परिप्रश्नेना और सेवाया, जब हम ये विधि से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर जब हम दूसरे श्लोक में भी हम देखते हैं कि नारद मुनि का जो प्रश्न है, तो नारद मुनि यहाँ पे वो प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि के बारे में, कि ये सृष्टि का किस तरह से, इस सृष्टि का बारे में जो नारद मुनि पूछ रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति है वो इस ये जो सृष्टि का जो 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 ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग धारणा है, पर जो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझाते हैं कि वास्तविक में ये जो भगवान की जो सृष्टि, भगवान जो ये सृष्टि करते हैं ये भी भगवान का एक लीला जैसा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझा रहे हैं कि हमें जब हम ये जो सृष्टि को देखते हैं कि ये जो अभी जैसे कि मेरे सामने बरगद का पेड़ है, तो जब मैं बरगद का पेड़ को देखूं तो मुझे इस बरगद का पेड़ में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ये जो कला है ये हमें सीखना चाहिए। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हम सृष्टि में कुछ भी देखें, जो कुछ हम सृष्टि में देखते हैं, पेड़ को देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पर्वत को देखते हैं, बड़े बड़े इमारत को देखते हैं, तो हमें इसमें भगवान की भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ये जो कला है ये हमें सीखना चाहिए। तो यही जो कला को सीखने के लिए नारद मुनि सवाल कर रहे ब्रह्मा जी से। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे नारद मुनि बताते कि यद रूपम, कि ये जो जगत की सृष्टि किस तरह से हुआ है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझा रहे कि आज के समय में जो साइंटिस्ट जो लोग है वो इतने बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, और इतने बड़े बड़े आविष्कार करके मतलब अपना दिमाग को यूज करते हैं, तब जाके नॉर्मल व्यक्ति वो जो चीजें नहीं बना पाते, जो साइंटिस्ट अपने जो ब्रेन से, अपने जो मस्तक से वो जो चीजों को बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि अगर ये जो चीज को, ये जो भौतिक चीज को बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग इतना अपना माइंड लगा रहे, इतना अपना मस्तक को यूज कर रहे, तो इतना बड़ा संसार जो भगवान ने बनाया हुआ है, वो भी भगवान को मतलब ये संसार बनाने के लिए कितनी शक्ति इसमें डाला गया होगा। तो वो जो यद रूपम, मतलब वो जो सवाल है वो नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे कि ये जो सृष्टि, ये सृष्टि किस तरह से बना हुआ है। फिर यद अधिष्ठानम मतलब ये जो सृष्टि है किसके ऊपर आधारित है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल एक एग्जाम्पल देखते, हमने कई बार देखा है मृदंग जो बच्चा है ना, मृदंग, वो मृदंग के नीचे एक आसन रहता है कि हम वो मृदंग को वो आसन के ऊपर रखते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो आसन के ऊपर वो मृदंग आधारित है। तो उसी तरह से नारद मुनि पूछ रहे कि ये जो सृष्टि, जो इतना बड़ा जो सृष्टि है, ये किसके ऊपर आधारित है। वो जो एक छोटे से मृदंग के लिए वो आसन का हमको जरूरत पड़ता है, तो ये जो सृष्टि पूरा बना हुआ है तो ये किसी के ऊपर तो आधारित होगा। तो वो नारद मुनि ब्रह्मा जी से उसका प्रश्न पूछ रहे। फिर क्या पूछ रहे यहाँ पे, यदिष्ठानम मतलब जैसे कि हम देखते कि ये जो सृष्टि है पहले भगवान के अंदर विलीन हुआ है, फिर उसके बाद भगवान इसको प्रकट करते। तो ये जो प्रश्न प्रभुपाद नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे कि ये जो सृष्टि है शुरू मतलब एकदम शुरू में किसके ऊपर विलीन थे, किसके अंदर थे, और वो किस तरह से प्रकाशित हो रहे, वो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे। फिर उसके बाद आता है यत परम, मतलब ये जो पूरा जो सृष्टि है ये किसके गाइडेंस के ऊपर चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो सृष्टि है अपने आप चल रहा है, पर हम एक नॉर्मली एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम आज के समय में बहुत सारे सुपरमार्केट को देख रहे हैं, तो सुपरमार्केट में हम देखते हैं कि ना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें को हम देखते हैं, एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ
मतलब जैसे पनीर की आइटम, आइसक्रीम की आइटम एक एक जगह पे है जहाँ पे पूरा पूरा ठंडक जैसा, मतलब ठंडा वातावरण वहां पे रहता है। दूसरे सेक्शन में अलग 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 जैसे अनाज की जो आइटम है वहां पे रखते हैं, और तीसरे सेक्शन में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के दूसरे चीज रखते हैं। तो ये जो पूरा जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे ऑटोमेटिकली तो किसी ने रखा नहीं होगा, किसी ने तो अपना माइंड उसमें लगाया होगा ये चीज यहीं पे रहना चाहिए, कैश काउंटर यहाँ पे रहना चाहिए। तो उसी तरह से नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे, ये जो पूरा जो सृष्टि चल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी अभी शीतल ऋतु में हम देखते हैं कि आम का जो पेड़ है उसमें फूल लग जाते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि वो जो फूल है वो फूल है वो फल में बदल जाता है, फिर वो जो फल जो है थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो पूरा फल पक जाता है। तो ये जो विधि चल रहा है, ये किसी के मतलब कोई ना कोई व्यक्ति इसको चला रहा है। तो वही नारद मुनि यहाँ पे पूछ रहे कि ये जो सृष्टि चल रहा है ये किसके, मतलब कौन इसके पीछे है और कैसे ये चल रहा है, वो नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे। फिर आखिर में हम देखते हैं, मैं यहाँ पे रुकता हूँ ये आखिर का एक पॉइंट बोल के, जिसमें हिज ग्रेट पद्मनायन प्रभु जो भक्ति शास्त्री जो सिखाते हैं, वो प्रभु जी इस लेक्चर में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभु जी ऐसे समझाते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो जब हम ये जो सृष्टि देखते हैं, जो सृष्टि देखते हैं तो हम अगर हम जो लोग जो है जो सृष्टि को भगवान से जोड़ के नहीं देखते तो वो क्या देखते हैं कि ये पूरा जो सृष्टि में जो कुछ है वो हमारे भोग के लिए बनाया हुआ है। अगर हम ये जो सृष्टि के अलग अलग चीजों को अगर भगवान के रूप में हम नहीं देखते तो ये जितने भी चीज बनाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भोग के लिए बनाया हुआ है, ऐसा हम देखेंगे। तो बहुत जरूरी है ये जो कला है जो नारद मुनि अभी ब्रह्मा जी को पूछ रहे, ये जो कला है जो ये जो सृष्टि में जो कुछ चीजें है वो किस तरह से बना हुआ है, ये किस तरह से हम इस ये जो सृष्टि के चीजों को भगवान से जोड़े, भगवान के रूप उसमें हमको देखे। तो पद्मनायन प्रभु बताते हैं जैसे कि ये जो सृष्टि जो भगवान ने बनाया है ये भी एक भगवान की लीला है, वैसा हमको देखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण जब सुबह के समय अपने अपने जो ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की जंगल के ओर जाते हैं, और फिर वृंदावन के जंगल के ओर जाते हैं तो बहुत कुछ चीजें जो लंच टाइम के लिए जो खाने की जो प्रसादम की जो चीजें वो लेके जाते हैं, फिर वो लेके जाते हैं वृंदावन के जंगलों में, वहां पे जो भांडीर वन जो वट है वहां पे वो क्या लंच को बांध देते हैं, फिर लंच को बांधने के बाद वो क्या करते हैं ग्वाल बालों के साथ वो खेलने लगते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलने के बाद वो क्या करते हैं फिर यमुना नदी में वो लोग स्नान करते हैं भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बाल संग, फिर स्नान करने के बाद वो जो पोटरी जो है जो वट वृक्ष के झाड़ में लगाया होता है वो पोटरी को निकालते हैं, फिर वो लंच करते हैं, लंच करने के बाद शाम के समय वो क्या करते हैं भगवान कृष्ण सभी ग्वाल बालों के संग के साथ नंद भवन की ओर आते हैं, रिटर्न अपने घर पे आते हैं। तो जब हम ऐसे लीलाओं को जब स्मरण करते हैं, जब ऐसे लीलाओं को जब सुनते हैं तो हमको भगवान की छवि हमको सामने आ जाती है कि भगवान ऐसे दिखते रहेंगे, भगवान के ग्वाल जो संग है ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे वो लोग नृत्य करते हैं। तो उसी तरह से जब हम भगवान की जब ये जो सृष्टि को हम देखते हैं उसी तरह से जब हम भगवान की जब सृष्टि को देखते हैं तो भगवान किस तरह से वो दिखते हैं, भगवान किस तरह से ये जो सृष्टि कर रहे वैसा कला हमको हमारे अंदर जागृत करना चाहिए। तो वो पद्मनायन प्रभु बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमें भी जब कोई भी चीजें हम आसपास में देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये भगवान ने किस तरह से इसकी सृष्टि की होगी, हम इसको इसमें किस तरह से हम भगवान को देख सके, वो हमें ये कला को हमको सीखना चाहिए। वही पद्मनायन प्रभु बोलते हैं कि वही जो नारद मुनि अभी जो कला है वो सीखने जा रहे ब्रह्मा जी से इस सवालों के माध्यम से कि हर एक चीज है वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है, वो हमें सीखना चाहिए करके पद्मनायन प्रभु समझाते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो उसी तरह से मैं आज का जो मेरी वाणी है उसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और मैंने यही प्रयास किया कि जो कुछ मैंने
भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज और हिज ग्रेस पद्मनायन प्रभु ने जो कुछ कहा इस श्लोक के माध्यम से वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर कुछ मुझसे त्रुटि, डेफिनेटली आई डिड सो मेनी रॉन्ग, मतलब कुछ मेरे से त्रुटि हुई होगी, तो मैं इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी भक्तों के चरणों पे दंडवत प्रणाम, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये श्लोक के बारे में अगर कुछ है तो आप टिप्पणी दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्ति वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी माता जी फॉर आप सुनने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। मैं वही, मतलब ये जो लिंक, मतलब मुझे भी पहला ये हुआ कि ये जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद किस तरह से बीच में आ गया। तो जब पद्मनायन प्रभु ने इसको समझाया कि ना कैसे, मतलब नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद है, ये अचानक में बीच में कैसे आया, वो पद्मनायन प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो सवाल है ऑलरेडी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा था, और वही सुखदेव गोस्वामी जी वो जो गुरु परंपरा का जो द्वारा है वही आंसर को दे रहे। तो बहुत अच्छे से पद्मनायन प्रभु जी ने प्रभु इसका आंसर दिया प्रभु। तो आगे जाके हमको बहुत इजी हो जाए कि ताकि हम जब इस पांचवें अध्याय को हम सुनेंगे आगे जाके, तो वी विल बी इन द लिंक कि मतलब क्या लिंक है इसका। तो थैंक्स टू पद्मनायन प्रभु। प्रभु हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।